हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आपके लिए एक बहुत बेटर न्यूज़ लेकर आया हूँ, एक ज़बरदस्त न्यूज़ लेकर आया हूँ। और इस तरह की पेंडेमिक सिचुएशन जब पूरा का पूरा वर्ल्ड कोरोनो वायरस से गुजर रहा है, कोरोनो वायरस एक बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहा है, और ऐसे में एक अच्छी न्यूज़ उन युवाओं के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक संजीवनी बूटी की तरह ये न्यूज़ मैं लेकर आया हूं। तो ये ऐलान जो आया है, मोदी सरकार की तरफ से ऐलान आया है, जहां पर जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि एनआरए का एक गठन किया जा रहा है। तो उस एनआरए का गठन किया गया है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। जी हां, तो इसमें क्या होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। अब ये एनआरए क्या है, एनआरए एक एजेंसी रहेगी जो इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को कंडक्ट कराने का काम करेगी। अब बच्चों के माइंड में एक सवाल ये बनता है कि सीईटी क्या होगा, तो इससे किन बच्चों को लाभ पहुंचेगा। तो हर साल पूरे भारत में करीब 2 से 2.5 करोड़ ऐसे स्टूडेंट हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। तो उन 2 से 2.5 करोड़ स्टूडेंट को इसका सीधा सीधा लाभ पहुंचना वाला है। कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई और बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। आज नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा, उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा। छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा जो नौकरी के लिए आवेदन। अब ये दो तरीके से होगा, एक तो 12th बेसिस पे होगा और एक ग्रेजुएशन बेसिस पर। यानी कि जैसे कि आप कोई भी एग्जाम देते थे, एसएससी का सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, या एसएससी सीपीओ हो गया, एसएससी सीपीओ कांस्टेबल वाला एग्जाम हो गया, है ना, या फिर एसएससी एमटीएस हो गया। बैंकिंग के अलग एग्जाम्स हैं, रेलवे के अदर एग्जाम्स हैं, अलग अलग एग्जाम हैं। तो क्या होगा, इस कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से क्या होगा कि जो एक कैटेगरी वाले एग्जाम है, मतलब ये समझ के चलिए कि जो ग्रेजुएशन लेवल वाले एग्जाम है उनके लिए आपको केवल एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। आपको 20-25 अलग अलग एग्जाम्स के लिए ना तो आवेदन करना है और ना ही उन एग्जाम्स के देने के लिए अलग अलग स्टेट, अलग अलग शहर में एग्जाम देने जाना होगा। तो इससे काफी बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलेगा, मतलब एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देंगे और उस पर जिस हिसाब से कट ऑफ मार्क्स बनेगा उस हिसाब से उनका वहां पर सिलेक्शन किया जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज का एग्जाम है, वो मान लीजिए आपने एसएससी के लिए अप्लाई किया है, एसएससी के पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए अप्लाई किया है, तो आपको मेन एग्जाम एसएससी के लिए देना होगा और रेलवे के लिए अगर पर्टिकुलर कोई एग्जाम देने वाले हैं तो रेलवे के लिए देना होगा। लेकिन या सीबीटी फर्स्ट का जो एग्जाम है वो आपको कॉमन देना होगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत वो एग्जाम आपका कंडक्ट किया जाएगा। तो बिल्कुल आज की ये रिसेंट की अभी लेटेस्ट न्यूज है और मैं मानता हूं आपके लिए एक संजीवनी बूटी के लिए ये काम करने वाली है। इसके बारे में आगे आने वाली वीडियोज में बिल्कुल विस्तृत आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि काफी सारे सवाल अभी भी आपके माइंड में बन रहे होंगे, काफी सारे डाउट्स आपके माइंड में बन रहे होंगे। तो बिल्कुल आप फ्रेंकली हर एक सवाल को यहां पर पूछ सकते हैं, अपने हर एक डाउट को कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक सवाल का बिल्कुल सही सुलझा हुआ आंसर देने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। अगर आपका क्वेश्चन काफी कॉमन होगा तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आपके आंसर को उस वीडियो के जरिए बिल्कुल देने की कोशिश करूंगा। तो बिल्कुल स्टूडेंट, और मैं यहां पर एक वीडियो की क्लिप भी दे रहा हूं जहां पर आप देख सकते हैं कि इसकी रिसेंटली अभी करीब 1-1.5 घंटे पहले घोषणा की गई है। लगभग 2.5 करोड़ कैंडिडेट हमारे अनुभव में आया, हर साल तैयार होते हैं जो नौकरी के लिए एस्पिरेंट्स रहते हैं, और भारत सरकार में लगभग 1.5 लाख। लेकिन व्हाट आई विश टू ऐड इज दैट दिस कॉमन एलिजिबिलिटी लिस्ट, विच इज ऑल्सो ए कॉमन लिस्ट, कैन बी यूटिलाइज इवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। और हम राज्य की सरकारों को भी सुझाव देंगे
और उनके जब समझ में आएगा तो निश्चय ही वो भी समझेंगे कि उसमें इनका लाभ है, क्योंकि राज्य सरकार के लिए भी उनका स्टेट एक्सचेकर में बचत होगी। सो इनफैक्ट दिस इज इन कीपिंग विद द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। वी आर इनफैक्ट फैसिलिटेटिंग इवन द सिलेक्शन प्रोसेस इज अंडरटेकन बाई द इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट्स। उनका स्टेट एक्सचेकर बचेगा, उनकी व्यवस्था बचेगी, एक चरण उनका क्रॉस हो गया। और इसी तरह आगे चल करके मेरी कल्पना यह है कि प्राइवेट सेक्टर भी इसको उपयोग में ला सकता है, जैसे कि अब हमने देखा एडमिशंस के सिलसिले में हमारी दूसरी लिस्ट को लाया जाता है। इसमें एक साल के अंदर दो होंगे इस प्रकार के टेस्ट, जो बात छूट गई थी वो आपके ध्यान में रहे। और जैसा कि बताया गया है आपको कि 1000 सेंटर टू बिगिन विथ एंड एटलीस्ट वन सेंटर नेसेसरली इन ईच डिस्ट्रिक्ट, सो दैट इन अदर वर्ड्स यू कैन पुट इट दैट नो कैंडिडेट विल हैव टू ट्रेवल आउटसाइड हिज डिस्ट्रिक्ट, विच इज अज ह्यूज रिलीफ। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन में और जो बाकी सुविधाएं हैं उसमें कोई अंतर नहीं है। द एज बार ही कैन ट्राई एज मेनी टाइम्स एज ही वॉन्ट्स टिल हिज एज परमिट्स। जो दूसरी कंसेशन हैं फीस इत्यादि की वो भी वैसी रहेंगी। बल्कि एक इसमें फर्दर इंप्रूवमेंट ये है कि पहले एक जमाने में सिर्फ दो लैंग्वेजेस में टेस्ट होता था, अब ये 12 लैंग्वेजेस में होगा एंड ग्रेजुअली वी विल गो ऑन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस सो दैट वी कैन ट्राई टू इंक्लूड एज मेनी लैंग्वेजेस एज पॉसिबल फ्रॉम द 8th। तो जैसे कि स्टूडेंट आपने ये वीडियो देखी तो आपको अब बिलीव हो ही गया होगा, तो सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से ये घोषणा कर दी गई है, ठीक है, और बहुत जल्दी इस पर कार्य शुरू हो जाएगा। तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका मेन फोकस आपकी प्रिपरेशन पर होना चाहिए, अपनी पढ़ाई पर होना चाहिए, ताकि ये जब एग्जाम हो तो फाइनली आप इसको क्रैक करके अपने आगे के जो सपने हैं, आपने जो अपने लिए ड्रीम्स बनाए हैं सरकारी नौकरी के, उन ड्रीम्स को बहुत जल्दी से पूरा कर पाए। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए जो आपको एग्जाम के बारे में जानकारी देगी, इस चैनल के साथ जुड़िए, गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये अहम जानकारी पता चल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले गुड बाय, थैंक यू।